हेलो गाइज, कैसे हो। मैं एसपी आपका अकाउंट यूडी में स्वागत करता हूँ। तो चलो गाइज, आप देख रहे हैं सोलर इंट्रैक्शन वेल लैंप है। तो गाइज कमेंट्स आ रहे थे कि ये इंट्रैक्शन वेल लैंप बैटरी बैकअप बहुत ही कम देता है और ये 2 घंटे ही बैटरी बैकअप नहीं देता। तो गाइज इसका बैटरी बैकअप कैसे बढ़ाए, और गाइज इसका बैटरी बैकअप 8 से 10 घंटे कैसे बढ़ाएँ, और इसका सोलर पैनल कितने एमएच का बैटरी चार्जिंग कर पाएगा, कितना बड़ा बैटरी चार्जिंग कर पाएगा, और कौन सा बैटरी इसके अंदर डालना चाहिए। तो मैं फुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, तो वीडियो को फुल वॉच करना गाइज। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना गाइज। तो चलो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। चलो गाइज सबसे पहले इसके स्क्रू ड्राइव की मदद से इसके बैक साइड जो स्क्रू दिए गए हैं तो इनको खोल देंगे। तो स्क्रू ड्राइव की मदद से खोल देता हूँ और अंदर क्या देखने को मिलेगा, कितने एमएच का बैटरी है, कितना बड़ा बैटरी है, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो इनको खोल देते हैं फट से। तो गाइज स्क्रू खोल दिए हैं और इस लास्ट वाले स्क्रू भी निकाल देते हैं गाइज। तो अब ओपन करते हैं गाइज। तो गाइज देखो, इसमें देखो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला और एक छोटा सा चार्जेबल रिचार्जेबल सेल है और एक बोर्ड है छोटा। तो मैं सेल दिखा देता हूँ आपको। देखो इतना छोटा सा सेल है इसलिए बहुत ही कम बैटरी बैकअप देता है। और गाइज इस सेल को हम निकाल देंगे सोल्डर गन की मदद से। तो हम सोल्डर टच करके इसको निकाल देंगे और हम इसमें दूसरा बैटरी फिट करेंगे, तो बैटरी अपग्रेड करेंगे। तो ये सेल निकाल दिया मैंने, ये देखो छोटा सा सेल है। चलो गाइस इसमें रिचार्जेबल सेल मैंने निकाल दिया और अब इसमें कौन सा बैटरी डालूंगा वो भी आपको दिखा दूंगा, और ये कितने एमएच का बैटरी डाल सकते हो आप, क्योंकि सोलर पैनल हैवी बैटरी चार्जिंग नहीं करेगा। तो कितने एमएच का बैटरी डाल सकते हो वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ इसमें 1 एम्पीयर का बैटरी डाल के दिखाऊंगा आपको। तो चलो गाइज मैं इसको डाल देता हूँ। तो सोल्डर गन की मदद से तो इसको सोल्डरिंग करूँगा गाइज। और गाइज सोल्डरिंग करते समय प्लस और माइनस को ध्यान रखकर करना, क्योंकि प्लस को प्लस में सोल्डरिंग करना और माइनस को माइनस में करना, उल्टा करोगे तो ऑन नहीं होगा गाइज। और गाइज ये सोल्डर गन अभी गर्म नहीं हुआ है इसलिए सोल्डरिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, फुल गर्म नहीं गाइज है। तो मैं प्लस को प्लस में करूँगा और माइनस को माइनस में करूँगा सोल्डरिंग। देखो ये गर्म फुल नहीं हुआ इसलिए जल्दी नहीं हो रहा है और सोल्डरिंग हो गया गाइज। तो चलो गाइज मैं इसको बैटरी को सोल्डरिंग कर दिया, तो बैटरी को फिट कर दूंगा वापिस इसके अंदर। तो ये बड़ा बैटरी कैसे फिट करेंगे, तो मैं डबल गम टेप की मदद लूँगा और इसको फिट करूँगा। तो इस प्रकार आपको भी फिट करना अगर, तो एक बार मैं फिट कर देता हूँ इसको। बाद में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसका फॉक्स कितना और बैकअप कितना आ सकता है, 8 से 10 घंटा बैकअप आएगा कैसे आएगा। तो मैं इसको फिट कर दूंगा एक बार वापिस। चलो गाइज इसको मैंने फिट कर दिया है और अब मैं इसके स्क्रू भी फिट कर दूंगा गाइज स्क्रू ड्राइव की मदद से। तो मैं स्क्रू फिट कर देता हूँ गाइज और बाद में आपको दिखाऊंगा कि इसका फॉक्स कितना और बैकअप कितना आएगा। चलो गाइज इसको स्क्रू फिट हो गए और लास्ट स्क्रू रहा ये भी फिट कर देता हूँ गाइज। तो चलो गाइज स्क्रू सब फिट हो गए हैं। तो गाइज अब मैं इसको अब फॉक्स भी आपको दिखा दूंगा और इसका बैटरी बैकअप कितना आएगा वो भी बता दूंगा। ऑन करते एक बार, तो गाइज ये देखो एकदम फुल फॉक्स देखने को मिला, हैवी बैटरी डाला है और इसका बैकअप 8 से 10 घंटे आएगा।